का किया जाएगा। आज बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रेल यातायात किसान बाधित करेंगे। हालांकि इस अभियान का जो ज्यादातर असर है वो हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के पुलिस भी अभी से अलर्ट मोड पर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों ने आज प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर ली है। किसान आज रेल रोको अभियान के तहत प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में उनकी अपील पर आज रेल रोको प्रदर्शन होगा। रेल रोको का प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर, जहाँ अलग अलग जिलों के अंदर प्रोग्राम है। पंजाब के अंदर 22 जिलों के अंदर 51 जगह के ऊपर रेल रोको का प्रोग्राम है। वहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सभी स्टेटों में अलग अलग, नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हरियाणा के अंदर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर आएंगे। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। पंजाब और हरियाणा में करीब 60 जगहों पर रेल रोकने का कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, किसानों ने ये भी ऐलान किया है कि चाहे कर्फ्यू लगे या तमाम पाबंदियां, वो रेल का चक्का जाम करेंगे। सरकार धारा 144 लगानी है, NSA लगाना है, किसी तरह की भी कोई चीज करनी है वो कर ले, ताकि सरकार के मन में किसी तरह का भी शंका ना रहे। आने वाला समय सरकार को महंगा पड़ेगा अगर आज हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम कल और मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जाहिर है कि आज एक बार फिर किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनने वाली है। जहां एक तरफ किसान रेल रोको प्रदर्शन पर अड़ेंगे, वहीं पुलिस उन्हें ये प्रदर्शन करने से रोकेगी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने इस प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।